इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। आजकल हर व्यक्ति डेली लाइफ में मोबाइल और इंटरनेट पर निर्भर हो चुका है, जिसमें मुख्य रूप से इंटरनेट की मदद ली जाती है, जो काफी मददगार भी साबित होता है। लेकिन जब मोबाइल लत बन जाए तो उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। ऐसा ही मामला जुन्नार देव के गांव चटुआ में सामने आया, जहां एक महिला ने मोबाइल गेम की लत में अपनी जान दे दी। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें कोई कम उम्र के बच्चे नहीं, बल्कि एक 38 वर्षीय महिला शिकार हुई है। जानकारी के मुताबिक महिला एवं बाल विकास की सुपरवाइजर सरला सल्लाम मोबाइल गेम में 2 लाख रुपए हार चुकी थी। पैसे हारने के बाद कर्ज से घबरा कर यह लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि महिला ने घर बनाने के लिए लोन लिया था और लोन का पैसा जल्द चुकाने के चक्कर में वह ऑनलाइन गेम में फंस गई। इस गेम को खेलने के लिए उसने अपने कई रिश्तेदारों से भी कर्ज ले लिया। जब हार की रकम बहुत ज्यादा हो गई, तब कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया और उसने खुद को कमरे में बंद कर यह लीला समाप्त कर ली। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर सल्लाह सल्लाम की इन्होंने कल अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जांच की है, प्राइम तौर पर हमें पता पड़ा है कि ऑनलाइन गेम खेलती थी, गेम में कुछ पैसा हार गई थी जी। और उसी के चलते इसके द्वारा फांसी लगाई गई है, ऐसा प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई। चुनाव आयोग ने अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है, जहां 10 जुलाई को वोटिंग और 13 जुलाई को काउंटिंग की जाएगी। बता दें कि कांग्रेस विधायक राजा कमलेश शाह के इस्तीफा देने के बाद अमरवाड़ा विधानसभा सीट खाली हो गई थी, जिस पर 10 जुलाई को अमरवाड़ा में उपचुनाव होना है। चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद सोमवार से आचार संहिता भी लागू हो गई है। आचार संहिता केवल अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में ही लागू रहेगी, बाकी विधानसभा में आचार संहिता का असर नहीं रहेगा। पांडुर्णा पुलिस को बाइक चोर गिरोह पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने 3 राज्यों में चोरी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने शौक पूरा करने के लिए तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई शहरों से बाइक चोरी करते थे और कम कीमत में बेचकर अपने शौक पूरा करते थे। सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी, SDOP राजेश भार्गव और थाना प्रभारी अजय मरकाम ने मामले का खुलासा किया। अधिकारियों ने बताया कि जब पांडुर्णा और सौसर में वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार घूमते हुए दिखाई दिया, पुलिस ने उसे पकड़कर जांच पड़ताल की तो बाइक चोरी का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़कर उनके पास से 11 बाइक जब्त की हैं, जिनकी कीमत 7,45,000 रुपए है। और ये यहाँ जो चोरियाँ हुई हैं वो तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की ज़्यादातर गाड़ियाँ हैं और अपने ज़िले में से भी 2 गाड़ियाँ और छिंदवाड़ा की 3 गाड़ियाँ। इस तरह कुल 11 मोटरसाइकिल अभी तक इन आरोपियों से जब्त हो चुका है। और ये 5 आरोपी हैं, जिसमें से 4 सावनेर के हैं, 1 नागपुर। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने आज समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए कि नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा सहित सभी नगरीय निकायों के CMO बिना अनुमति तलघर बनाने वालों और उनका कमर्शियल उपयोग करने वालों पर नियमानुसार सख्ती से कार्यवाही करें। शहरी क्षेत्र में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी लगातार की जाए। बता दें कि कुछ दिनों पहले भी कलेक्टर द्वारा तलघरों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद निगम ने 50 दुकानों को चिन्हित कर तालाबंदी की कार्यवाही भी की थी, जिसके कुछ ही दिनों बाद फिर से तलघरों में दुकानें संचालित होने लगी और वाहन सड़क पर खड़े होने लगे। अब देखना है कि कलेक्टर द्वारा दूसरी बार सख्त कार्यवाही के निर्देश देने पर संचालित होने वाली दुकानों पर क्या कार्रवाई होती है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहां संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुँच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे पूनम चैम्बर।
नगरपालिक निगम द्वारा मटन मार्केट आजाद चौक क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलिथिन कैरी बैग उपयोग करने वाले 5 दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही की गई। साथ ही खुले में मछली बेचने पर लगभग 5 किलो मछली जब्त कर विनिष्टीकरण किया गया एवं अतिक्रमण कर दुकान लगाकर यातायात बाधित करने वालों पर दुकानों को जब्त किया गया। कार्यवाही के दौरान स्वच्छता निरीक्षक अरुण कुमार गढ़वाल, जोनल अनिल लोट, सुपरवाइजर योगेश बेंडे, योगेश लोट एवं अविनाश चौहान उपस्थित रहे। कृष्णा नगर में मॉल संचालित करने वाले एक व्यापारी पर दूसरे व्यापारी ने हमला कर दिया, जिसे लेकर देहात पुलिस ने व्यापारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक कृष्णा नगर में अनुज चौक से गोकुल भंडार मॉल का संचालन करते हैं, जो दुकान में बैठे हुए थे। इस बीच अन्नपूर्णा मार्ट के लक्ष्मण बोंडे और उनके साथ अन्य लोगों ने किसी बात पर अनुज चौकसे पर हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में अनुज चौकसे की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। मैं अकेले बैठा था दुकान में, उसके भाई भी यहाँ खड़ा हुआ था, भाई से बात कर रहा था, छोटे भाई से, गोपाल बोंडे से, और वो लक्ष्मण बोंडे जो कि सरकारी कर्मचारी है और जिला पंचायत में कार्यरत है और दुकान खोल के बैठा हुआ है वो। और उसने उसको परिवार ने आके पत्थर मेरे को जानलेवा हमला, सर पे सब पत्थर घुमाए, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया भाई साहब, उंगली फ्रैक्चर आया हुआ है और बहुत सारी चोटें आई हैं। और उन्होंने बहुत अचानक मेरे को बलवा टाइप का हमला बोल दिया। इनके रुझान आने शुरू हो गए तो हम लोग यहाँ खुशियाँ मना रहे थे, बम फोड़ना शुरू कर दिया था। ये देखकर अचानक ये लोग आए, पत्थर लेकर आए मेरे हस्बैंड को, पत्थर से और अपने बेटे को लेकर आए। बेटे ने हमला कर दिया, बहुत मारा पीटा, उंगली में फ्रैक्चर है इनको, पैर में खून निकला है, गले में यहाँ नोचने के निशान है। पांडुर्ना में आज ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर दीपेंद्र सलामे द्वारा बड़ चिचौली स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें मरीज इलाज के अभाव में बैठे दिखाई दिए एवं एक सफाई कर्मी को छोड़कर पूरे स्वास्थ्य केंद्र का स्टाफ नदारद मिला, जिसमें डॉक्टर समेत 8 कर्मचारी स्वास्थ्य केंद्र से गायब थे। केवल सफाई कर्मचारी धामू करो से उपस्थित था। बिना किसी सूचना के स्वास्थ्य केंद्र से गायब रहने पर बीएमओ द्वारा इन 8 कर्मचारियों की रजिस्टर में अनुपस्थिति लगाई गई एवं सभी को कारण बताओ नोटिस दिया गया और कलेक्टर को शिकायत की गई। बता दें कि इसके पहले भी स्वास्थ्य केंद्र की शिकायत पंचायत कर्मियों द्वारा की जा चुकी है। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यता देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा आज शहरी क्षेत्र में सभी वाहनों की बारीकी से जांच की गई, जिसमें सवारी बसों, ऑटो रिक्शा व सभी प्रकार के वाहन सहित अन्य छोटे बड़े वाहनों के सभी दस्तावेजों की जांच की गई। जिन वाहनों में कमियां पाई गई उन वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई, जिसमें 28 वाहनों से 41,100 रुपए का जुर्माना लिया गया। अखिल भारतीय धोबी महासंघ की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन पेंशनर सदन में किया गया। इस दौरान बोर्ड परीक्षा में उच्चतम अंक पाने वाले बच्चों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में 50 से ज्यादा बच्चों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बसंत मालवी, नीतू निर्मल केर, राहुल मालवी, सतीश मालवी सहित समाज के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। श्री अभिषेक रजक द्वारा एक यहाँ पर प्रतिभावान सम्मान समारोह छात्र छात्राओं के लिए रखा गया। इस कार्यक्रम में करीब 50 मेघावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। हमारे जितने हमारे जो माननीय हैं बसंत मालवी जी के मार्गदर्शन पर और सभी हमारी पूरी टीम छिंदवाड़ा में मिलकर एक छोटा सा ये कदम उठाया है और इस कदम को हम हमारी समाज के लिए आगे तक लेके जाएंगे और हमारे समाज का नाम, हम सभी मिलकर, हम सब एक हैं और हम सब धोबी समाज का मिलकर नाम रोशन करेंगे। रजक समाज के जो भी बच्चे 10वीं और 12वीं कक्षा में 70% से ऊपर अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान हमने इसलिए किया है ताकि समाज में बच्चों में एक ऊर्जा आए, बच्चे अच्छे से पढ़ें और अच्छे अंकों से पास होए, इसी तारतम्य में हमने कार्यक्रम आयोजित किया है।
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ चतुर्थ श्रेणी द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि 221 रुपए का प्रतिदिन भुगतान करने हेतु जिला एवं समस्त विकास खंडों को आदेश दिया गया था कि जो अभी तक नहीं किया गया है एवं 4 माह से ब्लॉक के स्थायी कर्मी व विनियमित कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं किया गया। सच्चिदानंद सेवा समिति विवेकानंद कॉलोनी द्वारा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तथा अन्य कामों की स्वीकृति प्रदान करने वार्षिक आम सभा की बैठक का आयोजन विवेकानंद कॉलोनी स्थित साई मंदिर के प्रार्थना भवन में किया गया। कार्यक्रम सचिव आनंद बख्शी ने बताया कि समिति द्वारा इस वर्ष साई मंदिर स्थापना रजत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। बैठक में मंदिर समिति के समस्त लेखों को कंप्यूटराइज करना, दिंड यात्रा एवं रजत महोत्सव के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु समिति विभिन्न सामाजिक, आध्यात्मिक तथा श्री शिरडी साई बाबा के विचारों से चेतना के निर्माण तथा अनेक विभिन्न आयोजन करने हेतु निर्णय लिए गए हैं। वार्षिक आम सभा है, इस वार्षिक आम सभा में सच्चिदानंद सेवा समिति पूरे वर्ष के वर्ष 23-24 का आय व्यय का लेखा जोखा, 24-25 के आगामी कार्यक्रम पर चर्चा, साथ ही साथ मंदिर के जो प्रमुख कार्यक्रम है वो दशहरा का है और रामनवमी का है, साईं बाबा के पुण्यतिथि को उत्सव का है, उन सब पर डिंडी यात्रा, भजन संध्या सहित विविध कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिए आज यहाँ ये बैठक हमारे अध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारियों के द्वारा बुलाई गई है। बजरंग दल द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने कार्बन अतिक्रमण हटाए जाने, मध्य प्रदेश में पवन तस्करी रोकने के संबंध में मुख्यमंत्री और जिला न्यायाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्नीस में गोवंश अधिनियम के लिए धारा 350 के अंतर्गत एक कानून बना था जिसका पूरी तरह से परिपालन नहीं हो रहा। आज बजरंग दल पूरे मध्य प्रदेश में सारे जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर रहा है और अपनी 19 सूत्री मांगों को शासन के सामने उसमें रखा है, जिसमें मुख्यतः यह है कि पशु बाजार मेले जो हैं, जो तस्करी के मुख्य केंद्र बने हैं, उनको तत्काल बंद किया जाए, संबंधित थानों जहां से तस्करी ज़्यादा होती है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और अगर कार्रवाई वहां पर नहीं होती तो तत्काल वहां के TI को या संबंधित प्रशासन को निलंबित किया जाए।